नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर ही हाफिज अमजद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोसी ने ही योजनाबद्ध तरीके से अपने सगे भाई और चचेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को दिया अंजाम, गोली मारकर की थी। हाफिज अमजद की हत्या अपनी माँ के साथ नाजायज संबंध होने के चलते उठाया बड़ा कदम, तीनों हत्या आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के ग्राम ताशीपुर गांव का है, जहां 42 वर्षीय बाइक सवार युवक का संदिग्ध परिस्थितियों विगत सोमवार की शाम को खून से लथपथ शव मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक हाफिज अमजद निवासी ग्राम ताशीपुर के साथ एक्सीडेंट होने के चलते हादसा बताया था, लेकिन काफी समझने के बाद परिजनों ने मृतक युवक हाफिज अमजद का पोस्टमार्टम करवाया मृतक युवक के भाई असजद से। पुलिस ने अज्ञात वाहन की टक्कर होने के चलते प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। मृतक की पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्षेत्रीय पुलिस के हाथ पांव फूल गए। रिपोर्ट के अंदर मृतक युवक के सर में गोली लगी थी। पुलिस ने एक्सीडेंट प्रार्थना पत्र को हत्या में तरमीम करते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया और जांच शुरू कर दी। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की। गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात हथियारों की कुंडली खगाली गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। मृतक के भाई असजद ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले सुहेल, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसी ने मेरे भाई की गोली मारकर हत्या की है। हत्या की घटना को अंजाम देकर सुहेल फरार हो गया। पुलिस के मजबूत सूचना तंत्र के चलते मुखबिर की सूचना पर सुहेल को और उसके दोनों भाई शोएब आबाद को पुलिस ने कस्बा नागल क्षेत्र के साधारण सिर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। जब शक्ति से पुलिस ने सुहेल से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि मृतक युवक हाफिज अमजद और मेरी माँ के साथ नाजायज संबंध थे, इसलिए मैंने हाफिज अमजद के सर में गोली मारकर हत्या कर दी और मेरे दोनों भाइयों ने हत्या में पूरी योजनाबद्ध साजिश के तहत मुझको तमंचा और कारतूस उपलब्ध कराए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अदद तमंचा और कारतूस आरोपियों से बरामद किया और तीनों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। आइए जानते हैं अभिमन्यु मांगलिक SP सिटी सहारनपुर ने क्या कहा। सहारनपुर जिला ब्यूरो मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। जी सर, क्या कुछ खुलासा किया गया सर आज? जी 5 तारीख को नागल थाना क्षेत्र में बॉडी मिली थी जो मोटरसाइकिल से गिरी हुई हालत में थी। बॉडी की पहचान हाफिज अहमद नाम से हुई थी, जो वहाँ के लकड़ी के ठेकेदारी का काम करते हैं। और जब बॉडी मिली थी वहाँ पे, तो प्रथम दृष्टिया वहाँ पे लोगों ने बताया कि उनको ऐसा लग रहा है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में इनिशियली मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद जब पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें गनशॉट इंजरी पाई गई इनके सर पर, जिसके बाद ये धारा तरमीम हुई इसमें और 302 हत्या में मुकदमा लिखवाया गया था। हत्या का मुकदमा लिखते ही इसमें जो टीमें लगा दी गई थी, और टीमें लगाने के बाद इस पे सबसे पहले हमने जब मोटिव तलाशा था तो पता चला था कि एक सुहेल नामक व्यक्ति हैं, जिनकी मदर से जो मृतक हैं उनके साथ कुछ अवैध संबंध की बात कही गई थी। और इसी लाइन पे जब काम किया गया तो जो CCTV फुटेज है, सर्विलांस है, उन सब की मदद से हम इस निष्कर्ष से पहुंचे थे कि सुहेल और उसका भाई शोएब इस घटना में थे। और जब उनसे पूछताछ करी गई कड़ाई से, तो उनके द्वारा ये कन्फेशन किया गया कि वही सुहेल ने ही आकर वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया था और शोएब उसके साथ था इसमें। इसके बाद एक इनका मित्र है उबैद, उसने ही इनको तमंचा और पूरा जो संसाधन थे वो प्रोवाइड कराए थे और इनको छुपाने में भी इसने ही इनकी मदद करी थी। और इसके पास से, अब इसके पास से तमंचा जो घटना प्रयुक्त हुआ है वो बरामद हो गया। ठीक है। 302 इस पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी 120 की।